बारे में बात कर रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। चाची 2 मिनट, बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज सुन लीजिए बात, प्लीज चाचू। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, कम विद मी। अरे चलो ना, एक्सक्यूज मी। और ये आदमी कब समझेगा कि हमने रणबीर और प्राची को अलग करने में सारी हदें पार कर दी है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये समझता क्यों नहीं है? तुम कह रहे हो कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, मुझसे कोई उतना प्यार नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसे सुनाई दे रहा है कि तुम कह रहे हो कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुमसे ना प्यार करने का मतलब समझती हो तुम? उसका मतलब है कि धरती का घूमना रुक गया है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरी फैमिली कुछ बोले, तुम भी कुछ भी बोलो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हमेशा। जब प्यार की बात आती है ना, तो मेरा दिल मेरी नहीं सुनता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब मैं अपने दिमाग से काम लूंगा, लेकिन लेकिन ना मेरा दिल मेरे दिमाग की सुनता है, ना मेरा दिमाग मेरे दिल को समझता है। इन दोनों के बीच में ना हमेशा तुम आ जाती हो, तो इनके बीच में कोई ताल्लुकात ही नहीं हो पाता। तुम मत करो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग किसी बात को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो मत करो ऐसे काम, मत करो ऐसी बातें। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मेरा दिल दिमाग मेरी नहीं सुनते, इसका ये मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे प्यार ना कर पाऊं। जब तक मेरा दिल ये मेरे सीने में है ना, ये तुम्हारे लिए ही धड़केगा, तुमसे ही प्यार करेगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हाँ, फीलिंग्स थोड़ी बदल जाएंगी। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन मेरी नजर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, लेकिन वजह बदल जाएगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं। ये जो बातें तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। जितना आसान बोलना है ना, उतना ही आसान मेरे लिए सुनना है। तुम्हारे ये शब्द मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे रणबीर। मेरा एक एक शब्द तुम्हारे लिए एक कड़वी दवाई जैसा है। इसको पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार अगर तुम इसको पी लो ना, तो फिर तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें गिरने से बचाना चाहता हूँ। रणबीर, तुम डिसाइड नहीं कर सकते मैं किससे प्यार करूंगी, किसके नाम का कुमकुम मेरी मांग में लगाऊंगी। वो हक तो तुम मुझसे बहुत पहले छीन चुकी हो प्राची, मुझसे अपने सारे हक छीन चुकी हो, अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियां छीन चुकी हो, तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला? मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी रास्ते पे चल नहीं सकता, बस तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो प्लीज मुझे सलाह देने का हक मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, हाँ? करने की क्या कोशिश कर रहे हो तुम? मुझसे सब देखा नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता था चीजें इतनी बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। रिश्ते टूटेंगे ये पता था, बट ये जो नया रिश्ता जुड़ रहा है ये सही नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे अपनी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है, बट अपने भाई की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा, और ऐसा करने में आप मुझे नहीं रोकेंगे। इसे इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आदत डाल लो, और आप ना कोई रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करती, इसलिए मैं लिहाज करूंगा भी नहीं।
I'm going to expose everyone. पर ये फैमिली बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम तुम्हें हमारी लाइफ बर्बाद नहीं करने देंगे, got it? पल्लवी जी, जी कलाबा थोड़ा कम पड़ गया है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, तो कलाबा मंगवा ले। जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे लाई तो बहुत सारा थी, लेकिन वहाँ आलिया के कमरे में छोड़ दिया, मैं अभी लाती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे भी नहीं पता सेठ, चल पता लगाते। सोचो अगर ये नाइफ मैंने तुम्हारी कलाई पे चला दी तो क्या होगा? पहले तो बहुत खून बहेगा, और इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ में आए, तुम्हारी ये जो दिल की धड़कने है ना, ये बंद हो जाएंगी। यही होगा ना बुझी, राइट? यही होगा सेठ, सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया। यू नो व्हाई? कि जब कोई घिनौना काम करता है ना, तो एंड में सुसाइड ही कर लेता है। और हम भी कह देंगे बेचारे सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था, ही जस्ट कुडंट टेक इट, और इसीलिए उसे अपने आप को खत्म करना पड़ा। हाउ इज दैट? पछतावा तो बहुत हो रहा है मुझे, मेरी वजह से मेरी बहन की लाइफ खतरे में, रणबीर की लाइफ भी स्पॉइल हो गई, और प्राची की लाइफ भी बर्बाद हो गई। रिया, अब भी टाइम है, बस करो यार, बंद करो अपना गेम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? I love रणबीर, मैं उसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं उसको किसी भी कीमत पे पाऊंगी, got it? अगर तुम्हें रणबीर चाहिए तो प्यार से जीतो, नफरत से नहीं। दिल लगाओ, दिमाग मत लगाओ, मत करो प्लानिंग प्लॉटिंग, लोगों की लाइफ बर्बाद करना बंद करो। अरे ओ मिस्टर पपलू, हीरो नंबर वन बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बलि का बकरा बनाया है, ज्ञानी महात्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे?